आप देख रहे हैं K2S न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के मिनी सचिवालय में अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा FSL रिपोर्ट मंगवाने में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरतन कोहली को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि बस 2011 में दिलीप जाटप की हत्या हुई थी, उसकी FIR वजीरपुर थाने में दर्ज है। कानूनी रूप से पुलिस ने मृत घोषित नहीं किया, जिसके चलते उक्त दिलीप जाटप का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना। मृतक दिलीप के पिता दर दर भटक रहे हैं। ऐसी कई समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया तथा मांगों को पूरा करने की अपील की। आइए देखते हैं कार्यकर्ताओं का इस बारे में क्या कहना है। सर, आज जो ADM साहब को ज्ञापन दिया है उसके बारे में आपको आपका क्या कहना है, क्या समस्या है आपकी? अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद की तरफ से आज श्रीमान मुख्यमंत्री के नाम निखिल बैरवा की 16/2/2021 को हत्या कर दी गई थी। उसमें जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करने की मांग के साथ में लिए हमने ज्ञापन दिया था तथा मृतक परिवार को मुआवजा और एक सरकारी नौकरी के लिए मांग की गई है तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए शीघ्र ही मतलब वो मांग की गई है। एक दिलीप जाटव नाम के लड़के की ग्राम स्यारोली में हत्या हुई थी। उस हत्या में मुकदमा नंबर 308/8/11/2011 में वजीरपुर थाना में दर्ज किया गया था, लेकिन उसमें कंकाल के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में DNA टेस्ट और FSL रिपोर्ट नहीं आने के कारण वो आज तक भी मतलब FIR लगा दी गई थी और आज तक भी मृतक का मृत्यु प्रमाण तक नहीं बन पाया है। उसकी वजह से उसके पिताजी आज मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके मतलब न कोई पालनहार योजना न किसी तरह की स्कीम में कोई लाभ मिल पाया है और न ही वो ऐसा रूप से सरकारी साथ मिल पाई है, न विधवा को विधवा पेंशन स्वीकृत हो पाई है। तो हम आज हमने मांग करी है सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब से द्वारा मतलब ADM साहब के द्वारा कि FSL रिपोर्ट पुलिस प्रशासन द्वारा शीघ्र मंगाई जावे जिससे मृतक की DNA पहचान कर उसके पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बन सके। तथा गांव में जाटव समाज की आबादी बस हुई है जो गैर मुमकिन आबादी में दर्ज है। श्रीमान कलेक्टर साहब को जाटव समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया। आज उसी प्रसंग में अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद के जिलाध्यक्ष तहसील अध्यक्ष घनश्याम फौजी, कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भरीलाल जाटव, कांग्रेस के जिला महामंत्री महासचिव किशनलाल जाटव उनके नेतृत्व में आज ADM साहब को भी ज्ञापन दिया गया है। सवाईमाधोपुर जिले के ग्राम करमोदा मदरसा अनवारुल उल्म में मजबूत खानदान मजबूत समाज विषय पर शहर की मस्जिदों में इमाम के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली से आए इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी मौलाना रजीउल इस्लाम ने समाज में आ रही खराबियों को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आप हजरात के सामने अपने आप को मौजूद पाकर मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ। इसी मदरसे से लाइब्रेरी से किताब लेता हूँ और उस किताब को लेने के बाद एक हदीस पढ़ता हूँ कि नोहा खानी ये क्या है, हराम है। खाना